CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम ये कैसी आवाज। आज सुनेंगे सोनू की कहानी ये कैसी आवाज। पता है दोस्तों, सोनू है ना बहुत छोटी है, मेरे से भी छोटी। वो जो भी नया शब्द सीखती है बस हर बात में बोलती है। अब पता है क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। भैया सुनाएंगे सोनू की ये कहानी ये कैसी आवाज। सोनू थी एक प्यारी सी लड़की, तुम्हारे जैसी। बाग में खेलना उसे बहुत अच्छा लगता था। तुम्हें भी तो बाहर खेलना अच्छा लगता है ना? तो एक दिन सोनू बाग में खेलने गई तो बहुत देर हो गई। माँ परेशान, सोनू रोज तो इतनी देर नहीं लगाती थी, तो आज क्या हुआ? माँ सोनू को देखने बाग में जा ही रही थी कि सोनू आती दिखाई दी। मामा मैं आ गई। क्या हुआ सोनू, आज इतनी देर कैसे हो गई? माँ बाग में धड़ाम धड़ाम की आवाज आ रही थी तो मैं वहीं रुक गई। क्या, धड़ाम धड़ाम की आवाज? अरे बेटा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं माँ, मैं तो बहुत देर तक पेड़ के नीचे थी, वहाँ खड़े होके मैं आवाज सुनती रही, धड़ाम धड़ाम। अरे कैसी ना समझ है, तुम्हें डर नहीं लगा बेटा? नहीं माँ, ये तो आवाज मैं रोज सुनती हूँ, धड़ाम धड़ाम मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, ये क्या आवाज है? क्या है, मुझे भी सुनना चाहिए। चलो देखूं तो कहाँ से आ रही है ये आवाज। चलो माँ, मैं तो पैर के नीचे खड़े होके रोज सुनती हूँ। हे भगवान, कहीं मेरी बच्ची को कोई चोट ना लग जाए। पता नहीं ये क्या बला है, धड़ाम धड़ाम, न जाने कौन सी आवाज सुनकर आ जाती है ये। सोनू माँ को लेकर बाग में गई। वहां कई बच्चे खेल रहे थे। वहां एक पेड़ के नीचे खड़े होकर सोनू बोली, मामा यहाँ आओ। बताओ बताओ कहाँ से आ रही थी आवाज? यहीं से, देखो अभी भी आ रही है। कहाँ? सुनो मामा, धड़ाम धड़ाम। तुम कुकू को धड़ाम धड़ाम बोल रही थी। इसे कू कू कहते हैं बेटा, ये कोयल की कूक है। ओ अच्छा, ऐसे कू कू कहते हैं, हम इसे धड़ाम धड़ाम क्यों नहीं कह सकते? देखो बेटा, आवाज के हिसाब से ही तो आवाज के शब्द होंगे ना। अब देखो, कोयल की आवाज को ही लो, इसकी आवाज के हिसाब से ज्यादा ठीक क्या लगता है? कू कू। शाबाश, अब ये सुनो, ये कैसा लग रहा है? ठक ठक जैसा लग रहा है ना? हाँ। तो इसे कहेंगे ठक ठक। देखो वो बच्चा धड़ाम से गिर गया। चलो चलो देखें उसे, चलकर देखते हैं क्या हो गया उसे। अरे ये कैसे गिर गया? अरे बेटी क्या हुआ, दिखाओ जरा, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं ठीक है। दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो मैंने ही केले का छिलका फेंका था ना, और मेरा पैर उस पे पड़ गया और मैं ही गिर गई धड़ाम से। देखो बेटा, कूड़ा जो है वो कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अब देखो, तुम्हें चोट लग सकती थी ना? हाँ लग तो सकती थी। मैं मैंने छिलका कूड़ेदान में डाल दिया, अब कोई नहीं गिरेगा। शाबाश, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, अब कोई नहीं गिरेगा धड़ाम से। तो अब सोनू को समझ में आ गया
कि अलग अलग आवाजों के अलग अलग शब्द होते हैं। ये कैसी आवाज, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कलाकार प्रवीण शर्मा, नीतू शर्मा और गार्गी। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंडो। निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी और गीतिका उनियाल। आलेख निर्माण निर्देशन और ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।